नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑटो चालकों को अनुदान मिलना शुरू, कोरोना ने फेरा मेहनत पर पानी, अस्पतालों को दिए वेंटिलेटर। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। ऑटो चालकों को अनुदान मिलना शुरू। अंतर परिवहन मंत्री अनिल परब द्वारा राज्य के ऑटो चालकों को कोरोना काल में हुई आर्थिक परेशानियों के चलते 1,500 रुपए का अनुदान मिलना शुरू हो गया है। अभी तक करीब 300 ऑटो चालकों के खाते में अनुदान की राशि जमा हो गई है। हालांकि ऑटो चालकों के विभिन्न संगठन अब भी राज्य सरकार और प्रादेशिक परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज है। बुधवार को शहर के सभी ऑटो चालक संगठनों और आरटीओ अधिकारियों के बीच बैठक आयोजित की गई। मिली जानकारी के अनुसार नागपुर जिले में करीब 19,500 ऑटो पंजीकृत हैं। इनमें से केवल 3,000 ऑटो चालकों ने ही आवेदन किया है। इनमें से कुछ लोगों के ही आवेदन को विभाग ने अप्रूव किया है। संगठनों की ओर से कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके ऑटो चालकों से गलती हो रही है क्योंकि वे इतने शिक्षित नहीं है। इन त्रुटियों के चलते उनके आवेदन मान्य नहीं हो रहे और वे अनुदान से वंचित रह रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक केवल 3,000 आवेदन ही हो सके। इस पर आरटीओ जाधव ने कहा कि संगठनों द्वारा जन जागृति करनी चाहिए कि अधिक से अधिक ऑटो चालक अनुदान के लिए आवेदन करें। तो वही दूसरी ओर कोरोना ने फेरा मेहनत पर पानी। सीबीएसई 12वीं परीक्षा रद्द होने के बाद असेसमेंट का टेंशन। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेकर एक तरह से पालक और छात्र को आश्चर्य में डाल दिया है। जो छात्र यह सोचकर पढ़ाई कर रहे थे कि जुलाई अगस्त में परीक्षा ली जाएंगी, उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। वहीं जिन छात्रों को तैयारी अधूरी थी, उनके इस निर्णय से बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन परीक्षा रद्द करने के साथ ही स्कूलों का एक बार फिर टेंशन बढ़ गया है। अब छात्रों का असेसमेंट किस आधार पर किया जाएगा, इस पर सभी की नजरें लगी है। 12वीं की परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर पालक, छात्र और शिक्षकों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ छात्र पालकों का मानना है कि जिस तरह ऑनलाइन स्टडी हुई, उसी तरह ऑनलाइन परीक्षा भी ली जा सकती थी। तो वही तीसरे और अस्पतालों को दिए वेंटिलेटर। राज्य के पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की ओर से तीसरी लहर से निपटने की दृष्टि से 10 वेंटिलेटर दिए गए हैं। शिवसेना संपर्क प्रमुख के जनसंपर्क कार्यालय से इनका वितरण नागपुर और यवतमाल के शासकीय व निजी अस्पतालों को किया गया। इस अवसर पर संपर्क प्रमुख विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी, सह महानगर प्रमुख प्रमोद मानमोड़े, शहर प्रमुख नितिन तिवारी, दीपक कापसे, शहर संगठन विशाल बरबटे, मंगेश काशीकर, किशोर पराते, कार्यालय सचिव मुन्ना तिवारी, प्रशांत वसाटे उपस्थित थे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर है, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।